हेलो नमस्कार मेरे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नवी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हम करते हैं रसायन विज्ञान, कर रहे हैं रसायन विज्ञान, कर रहे हैं हम क्लास इलेवंथ की। क्लास इलेवंथ का अपना चैप्टर चल रहा है सेकेंड। सेकेंड चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। तो इसको हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो अब तक हम अच्छे से बहुत चीज़ें सीख चुके हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल को सीखने वाले हैं कि बोर ने किस प्रकार से अपने हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपना सिद्धांत दिया था। इससे पहले हम अच्छे से स्पेक्ट्रम को पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए किस प्रकार से हमने अलग अलग वैज्ञानिकों के स्पेक्ट्रम को हमने पढ़ा था। उससे पहले हम जे.जे. थॉम्सन का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से हम परमाणु के बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक आप नोट डाउन कर सकते हैं, हेडिंग लगा लीजिए हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लगा सकते हैं इस प्रकार के, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। तो हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल है, जो बोहर है हमारे या बोर कह सकते हैं, इन्होंने कुल चार परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम इस छोटे से टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं, पर्टिकुलर छोटे सा टॉपिक की इनकी जो परिकल्पनाएं थी, उन्हीं चार परिकल्पनाओं को आज अच्छे से सीखने वाले हैं। तो इस बारे में विस्तार से हम सीखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो इनके हम सबसे पहले आप लिख लीजिए कि बोर ने क्या की, चार परिकल्पनाएं दी थी। तो यहां पर लिखिए बोहर ने चार परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। आप पूरा लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ परिकल्पना दी। तो आप लिख सकते हैं कि चार परिकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है। अच्छा से लिखिए, क्योंकि फिर अगर यहाँ पर हम ज़्यादा लिखेंगे तो आप पता है कि जगह कम रह जाएगी अपने पास, तो बार बार हमें स्लाइड चेंज ना करनी पड़े इसलिए। तो सबसे पहले जो हमारे बोर थे, उन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है और उसकी कक्षाएं हैं, उन जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, वह एक निश्चित कक्षा में उसकी ऊर्जा निश्चित होती है, इसी प्रकार से वह चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसी को हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या कहा था, जो हमारे बोर थे उन्होंने क्या कहा था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आप जानते हैं ये क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। ध्यान से यहाँ पे एक अच्छी बात समझिए कि अभी इस परिकल्पना को हम मान रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वर्ताकार कह सकते हैं कि क्या कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इस कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इसको कक्षा या स्थायी ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं, तो कक्षा कह लीजिए, या आप क्या कह सकते हैं, स्थायी ऊर्जा स्तर। इन दो नामों से आप इसको पुकार सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका एक ऊर्जा स्तर स्थायी है। अगर आप इसके ऊपर फोटोन गिराएंगे तो यह आवेशित होकर के दूसरी कक्षा में जा सकता है, वह अलग बात है, लेकिन जब तक इसको आवेशित ना किया जाए तब तक क्या होगा, एक निश्चित कक्षा में, पर्टिकुलर कक्षा में अपनी चक्कर लगाता रहेगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करते हैं और फिर आगे समझेंगे। पहला मॉडल हम कह सकते हैं कि पहली परिकल्पना लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक लिख लीजिए, नाभिक के चारों ओर, मैं इसे साफ कर देता हूँ ताकि अब समझाने के लिए बनाया कि क्या होता है, अच्छे से अपन लिख सकें, अपने को स्लाइड चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक, आप निश्चित भी लिख सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि एक निश्चित त्रिज्या लिख लीजिए, क्योंकि त्रिज्या किसकी क्या है, निश्चित है ना, नाभिक से त्रिज्या क्या होगी, निश्चित त्रिज्या, वह आप कह सकते हैं निश्चित त्रिज्या, वह एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा या कक्षाएं लिख लीजिए, ऊर्जा वाली कक्षाओं, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन में हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हम और तत्वों के बारे में बात करेंगे तो कक्षाएं हमें लगानी पड़ेगी। आप जानते हैं एस पी डी, इस प्रकार से जो कक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो पहली कक्षा में जैसे हम कहते हैं एल एम एन ओ पी, इस प्रकार से इनका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो इन कक्षाओं में लगातार जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं तो यह आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो आप क्या लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक त्रिज्या व एक ऊर्जा वाली कक्षाओं में, आप यहाँ पे निश्चित भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित, लिख लीजिए यहाँ पे निश्चित त्रिज्या है, ऊर्जा वाली कक्षाओं में क्या करती है, वर्ताकार कक्षाओं में, कह सकते हैं कि कक्षाओं में वर्ताकार चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन जो कक्षाएं होती है इनको लिख लीजिए, इनको लिख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए, जो कक्षाएं हैं, ठीक है, जिस चीज़ में वो चक्कर लगा रहे हैं, इनको कक्षाएं या कक्षा या क्या कह सकते हैं, स्थायी ऊर्जा स्तर, स्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं,
तो हमने पहला जो परिकल्पना है उसमें क्या सीखा कि डॉक्टर नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या वाली या निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वर्ताकार चक्कर लगाते हैं, इनको कक्षा या स्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये हमने अच्छे से सीखा था। अब बात करते हैं हमारे दो नंबर पॉइंट की। यह तो क्या थी, पहली परिकल्पना आ गई। अब बात करते हैं इसके जो दूसरी परिकल्पना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बात करें दूसरी जो उसका क्या है परिकल्पना है उसके बारे में बात करें तो उसको पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास हमें भैया पता है एक नाभिक है, उसके चारों तरफ क्या कक्षाएं हैं। अब जो हमारे बोर थे उन्होंने क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉनों की हम बात करें। अगर उन्होंने क्या कहा था कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉन, अगर ये ऊर्जा ग्रहण करता है, क्या करता है, या तो ऊर्जा ग्रहण कर दे या अपनी ऊर्जा त्याग दे, ठीक है। ऊर्जा ग्रहण कैसे करेगा, फोटोन प्राप्त हो गया तो क्या हो गया, वो आवेशित हो गया। आवेशित हो गया मतलब क्या है, उसके पास ऊर्जा आ गई, एक्स्ट्रा ऊर्जा आएगी तो क्या करेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऊर्जा है आप कहेंगे कर देंगे सब कुछ, कुछ भी कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, मैं कुछ भी कर दूंगा, बस मेरे को कह दो क्या करना है। जैसे इसके पास क्या आई अधिक ऊर्जा आई तो ये उछल कर क्या करेगा, बाहर की कक्षा में भी चला जाएगा, ठीक है। तो हमें इन्होंने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है उसके पास ऊर्जा, या तो वह ग्रहण कर ले, ग्रहण करेगा क्या होगा, आवेशित होगा और बाहर चला जाएगा, बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। अगर उससे ऊर्जा छीन ले, जैसे कह दे इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इससे ऊर्जा छीन लेते हो कहेगा नीची कक्षाओं में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही बात क्या कही थी इन्होंने अपनी दूसरी परिकल्पना में कही थी, ठीक है। तो यह क्या कर सकता है, अब इससे यह कह सकते हैं कि अगर इसके पास ऊर्जा आ जाए या ऊर्जा त्याग दे तो ये अपनी कक्षा को क्या कर सकता है, बदल सकता है। देखिए यहाँ पे इससे आवेशित हुआ तो बाहर की कक्षा में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन था इससे ऊर्जा खींच ली तो ये अंदर की कक्षा में आ गया, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे से सीखने वाले हैं कि सब कुछ किस प्रकार से होता है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर अच्छे से इसको सीख लिया है हमने। अब लिख लीजिए किसी कक्षा में क्या लिखेंगे, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से लिखूं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन इसे दिखा रहा हूं माइनस इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। ऊर्जा को ग्रहण या त्याग कर, या तो ग्रहण करेगा या फिर क्या करेगा, त्याग करेगा, ठीक है। या तो ग्रहण या त्याग कर अपनी जो कक्षा होती है कक्षा को बदल सकता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे अपनी कक्षा को बदल सकता है। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि अगर ऊर्जा को अभी वैसे तो हमने पढ़ लिया लेकिन इसको थोड़ा सा लिखना भी जरूरी है। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिख लेते हैं इस प्रकार से, यदि जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या कर दे ऊर्जा का, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग कर दे तो क्या होगा। अभी मैंने कहा था जैसे त्याग करेगा तो वह उच्च कक्षा से किस कक्षा में आ जाएगा, निम्न कक्षा में आ जाएगा, तो क्या कह सकते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर, ठीक है। ये सीखा था ना, अगर वह क्या करे अवेश को क्या कर दे, ऊर्जा को क्या कर दे, त्याग दे, तो उच्च कक्षा से नीचे कक्षा में आ जाता है। उसी प्रकार से यहां पे दूसरा बात भी लिख लेते हैं, यदि ऊर्जा का या ऊर्जा को लिख लीजिए अच्छा रहेगा, ग्रहण करे, क्या करे, यदि ऊर्जा को वह ग्रहण करे तो यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, क्या उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात दो बात आपको अच्छी समझ में आ गई, तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी बोर्ड में इतनी जगह नहीं बची है कि आप पीछे बचे हुए दोनों जो परिकल्पना है अपने पूरे आस के, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए फिर इसको साफ करके नई स्लाइड पे चलते हैं अपने जल्दी से, तो पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीख लिया, बोहर के जो दो प्रयोग थे उनको अच्छे से सीख लिया है कि किस प्रकार से क्या कहा था बोहर ने कि जब इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित वर्ताकार कक्षा में या त्रिज्या में चक्कर लगाते हैं उसकी ऊर्जा कक्षाएं निश्चित होती है, ठीक है। दूसरी बात में उन्होंने क्या कहा कि जब या तो इलेक्ट्रॉन क्या करे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा या निम्न ऊर्जा स्तर में उच्च ऊर्जा स्तर पर आ जाता है, क्या आएगा, जब उसके ऊपर आवेश लगा दिया जाए, अधिक ऊर्जा लगा दी जाए, उससे ऊर्जा निकाल ली जाए, ठीक है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, वैसे बात करें तो तीसरा जो परिणाम है परिकल्पना ये दूसरे से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड आप देखिए। अब तीसरे में हम क्या कहते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर इसको अच्छे सीखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन पर पहले हमने सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन से या तो क्या करे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा या निम्न से उच्च में आएगा, तो अब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में क्या हुआ, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर कूद लगाता है आता है, तो कूद लगाता है लिख लीजिए,
कूद ही तो लगाता है वह सीधा वहाँ से उछल के कहाँ पे आ जाता है, आवेशित हुआ तो कूद लगाता है। तो हम यहाँ क्या बात करेंगे, तो उसकी उससे कुछ ना कुछ विकिरण उत्पन्न होगी, क्या हुआ कुछ आवेश लगा है जो निकला है तो उच्च ऊर्जा से निम्न में आ रहा है, तो क्या होगा उच्च से निम्न में आएगा तो उससे कुछ ना कुछ विकिरण उत्पन्न होगी। तो विकिरण की आवृत्ति की बात करें तो उत्पन्न विकिरण की आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उत्पन्न विकिरण की आवृत्ति। आवृत्ति की अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पे हम सीखते हैं अच्छे से कि उच्च ऊर्जा स्तर है, आप देखिए ठीक है उच्च ऊर्जा स्तर ले लेते हैं, यहाँ से कूद लगाकर कहाँ रहे निम्न ऊर्जा स्तर पर आ रहे, उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कूद लगा करके कहाँ रहे निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है। तो क्या लिख सकते हैं जो इसकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी घटेगी ना, क्या होगा घट जाएगी, तो V बराबर डेल एच डेल ई अपॉन एच। तो आप इसको किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एनर्जी क्या थी ए टू थी, कहाँ पे आई ई वन में आई, ये होता है ना डेल ई का मतलब, कि अब हम सीख चुके हैं इस बात को कि डेल ई का मतलब होता है ए टू माइनस ए वन, ए वन से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ई टू थी, E2 से E1 पे आई, तो E2 में से E1 एनर्जी को घटा दें अगर हम, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा विकिरण की आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम H, अगर हमें ये सभी तीनों मान प्राप्त हो तो क्या निकाल लेंगे हम आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसको साफ कर देते हैं ये समझाने के लिए, बस थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ सके इसके लिए मैं इसका प्रयोग करते हैं अपने। अब चलते हैं इसके हमारी आज की अंतिम परिकल्पना की तरफ, कि अंतिम परिकल्पना क्या है उसको अच्छे से विस्तार से सीखते हैं। तो जो हमारी ये चौथी परिकल्पना है, तीसरी आपने अच्छे सीख ले, जो हमारी ये चौथी परिकल्पना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परिकल्पना को अगर आप सीख जाते हैं तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो जो चौथी परिकल्पना है पहले उसको लिख लेते हैं फिर उसके बारे में विस्तार समझे। तो जो बोर थे उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन है जो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, तो लिख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के, इसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से फिर अच्छे से सीखने में मदद मिले, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर या चारों तरफ लिख लीजिए उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, उन अच्छे से लिख लेते हैं चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है। अब किन कक्षाओं में घूम सकता है वह बात करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग, अब कोणीय संवेग की बराबर करें क्या बराबर होता है h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो जिन कक्षाओं का जो कोणीय संवेग है h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, क्या हो पूर्ण गुणज, चलिए अब इसके अच्छे से देखते हैं कि जो बोहर थे उन्होंने क्या कहा था, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन ही कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग 2h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, अब ये नाभिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा में घूमना चाहिए तो इसका जो कोणीय संवेग है, इसका जो कोणीय संवेग है वह किसके बराबर होना चाहिए, h अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए, या इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। अगर इसका पूर्ण गुणज नहीं है तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या कहा है कि अब इलेक्ट्रॉन क्या लगा चक्कर लगा रहे हैं, अरे लिख लीजिए किस कक्षा में घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए H, अब कक्षा को किससे दर्शाते हैं हमें पता है, N से दर्शाते हैं, किस प्रकार से हमने देखा था ना कि N1 है N2 है N3 है N4, ये क्या है कक्षाएं हैं। तो कक्षाओं को किससे दर्शाते हैं, इस प्रकार से N से दर्शाते हैं, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले की हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली अब यहाँ पे आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं कि एक फॉर्मूला आता है V बराबर I W, ठीक है। ये फिजिक्स में सीखेंगे आप अच्छे से इस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे हमें इससे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं, वरना ये फिजिक्स के है तो इसको ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स में आप अच्छे से सीख लें, V की वैल्यू होती है एम आर, इसमें जो V की वैल्यू होती है वह क्या होती है एम आर स्क्वेयर होती है बराबर I, तो I की जगह है कह सकते हैं कि आप I और W, ये बात है हमारे यहाँ पे ओमेगा कह सकते हैं आप इसे ओमेगा, ये फिजिक्स में सीखेंगे आप अच्छे से कि ये W है या ओमेगा है, क्या होता है ओमेगा, तो इस बारे में अच्छे से विस्तार से सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं ये है एल का मान, ठीक है, और गुणा मिलेगा कि हमें ओमेगा का मान याद करना है, ओमेगा का मान होता है वी अपोन आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके बराबर है कह सकते हैं कि वी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये भी वी है।
अब देखिए आप इसकी जो वैल्यू है उसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, एल बराबर एम ई आर वी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया एम ई, इधर आ गया ई आर वी। तो जहाँ पे ई है तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं आप एल बराबर, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एल का मान हमारे पास है क्या है, एल बराबर नहीं लिखेंगे, एल का मान क्या है एम आर वी है, कोई दिक्कत नहीं है, एम आर वी या एम वी आर लिख लीजिए, एक ही बात है, एम वी आर लिख लीजिए अच्छे से समझ में आएगा। एम वी आर बराबर कितना है, ये रहा एन एच अपॉन टू बाई, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू बाई। यहाँ पे एन का मान आप क्या ले सकते हैं, एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, तीन ले लीजिए, चार पाँच कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आपको ये चारों परिकल्पनाएँ अच्छे से समझ में आई होगी। आज का टॉपिक इसलिए छोटा रखा गया क्योंकि ये परिकल्पनाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको अच्छे से सीखना आवश्यक है। अगर इसको बड़ी क्लास के अंदर बढ़ाया जाए तो इतने अच्छे से विस्तार से इसका एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर हमारी जो क्लास है आगे का जो हमारा टॉपिक है वह भी थोड़ा बड़ा है, तो दोनों टॉपिकों को एक साथ कराएंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। तो अच्छे समझने के लिए छोटा सा टॉपिक आज की क्लास में कराया। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, अगर आपके लिए महत्वपूर्ण रही हो, आपके लिए पसंद आई हो आपको वीडियो और आपको थोड़ी भी इससे सहायता मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।